सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। ये आपकी हिंदी की वर्कबुक। तो आज हम अपनी हिंदी की वर्कबुक में पेज नंबर 46 पर वर्क करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर आज की डेट मेंशन करना है। पहला वाक्य हमें क्या दिया है, स द में आई की मात्रा देव सदैव स अदस व च अदच छ स्वच्छ। कैसे पढ़ेंगे हम इसे, स्वच्छ रहिए, सदैव स्वच्छ रहिए। आपको इस वाक्य को पढ़ पढ़ के ट्रेस करना है और यहाँ पर वन टाइम आपको लिखना भी है। चलिए अब दूसरा वाक्य दिया है, समय समय का स दमे ओ की मात्रा दू प यमे ओ की मात्रा योग सद सदुपयोग समय का सदुपयोग कमे बड़ी की मात्रा की जमे छोटी की मात्रा जी ए समय का सदुपयोग कीजिए। इसे भी आपको पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। आप जिस अक्षर को ट्रेस करेंगे लिखेंगे उसे आपको बोल बोल कर लिखना है। अब अगला पेज नंबर 47 पर हम देखते हैं। ऊपर आपको आज की डेट डालना है। ग रमे बड़ी की मात्रा रीब गरीब व बेसहारो पर दया कीजिए। गरीब व बेसहारों पर दया कीजिए, यह हमारा अगला वाक्य। तो आपको इसे ट्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है, इस ब्लू लाइन में ही लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है पमे की मात्रा पाप पाप समय की मात्रा से पाप से ड रमे ओ की मात्रा रो डरो पमे की मात्रा पाप पमे की मात्रा पी पापी समय की मात्रा से न ही नहीं और पूर्ण विराम पाप से डरो पापी से नहीं। क्या वाक्य दिया है, पाप से डरो पापी से नहीं। इसके पहले वाला वाक्य था गरीब व बेसहारों पर दया कीजिए। जो गरीब है जो बेसहारा है हमें उन पर दया रखनी चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। क्या दिया है, समय का सदुपयोग कीजिए। सदैव स्वच्छ रहिए, हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर अपने कपड़ों को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जो भी हम चीजें यूज करते हैं उन्हें भी अच्छे से साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। तो आपके ये दो वाक्य हैं। और फिर इधर आपको पीछे दिया हुआ है योग्यता परीक्षण। चित्रों को पहचान कर इनके नीचे इनके नाम लिखिए। आपको यहाँ पर इन चित्रों को पहचानना है और इन चित्रों के नीचे इनके नाम लिखना है। ट्रेस कीजिए और लिखिए। फिर आपको इस समय का सदुपयोग कीजिए। इस वाक्य को आपको ट्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना भी है। तो चलिए, पहला हमें चित्र दिया है नारियल का, तो इसे हम करेंगे। तो ये देखिए, आपको इस तरह से क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर चित्र, किसका चित्र दिया हुआ है, नारियल का। तो हम यहाँ लिखेंगे नारियल, है ना। नमे आ की मात्रा ना रमे बड़ी की मात्रा रमे छोटी की मात्रा री यल नारियल। और यहाँ ये किसका चित्र दिया हुआ है, इमली का। ई म लमे बड़ी की मात्रा ली इमली। यहाँ किसका चित्र है, री शमे की मात्रा शी ऋषि। यहाँ पर किसका चित्र दिया हुआ है, भालू। तो भमे की मात्रा भा लमे बड़े ऊ की मात्रा लू भालू। यहाँ किसका चित्र है, वृक्ष या पेड़ भी लिख सकते है ना। ये चित्र देखते हैं, समय की मात्रा सेब सेब। अगला चित्र किसका दिया हुआ है, ठ ठमे की मात्रा ठे रमे की मात्रा रा ठठेरा। यहाँ ये किसका चित्र है, ममे र की री की मात्रा है मृग मृग। यहाँ दिया हुआ है ख र गमे ओ की मात्रा गोश खरगोश खरगोश। अब यहाँ पर हमें दिया है ट्रेस कीजिए और लिखिए। तो आपको इस वाक्य को ट्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है। ऊपर यहाँ पर आप आज की डेट मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर ऊपर आज की डेट मेंशन करेंगे और इस वर्क को आपको कंप्लीट करना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।